लंबोदर महतो जी बैठे हुए हैं कि कुर्बी समाज को एसटी में शामिल किया जाए। देखिए वो क्या चीज से बैठे हुए उससे अब उनका उनका मामला है वो जाने। आज एक आप बतलाइए ना हमको, आज पांचवी अनुसूची राज्य में आता है झारखंड, आज आदिवासियों का राज्य है झारखंड। आप गांव घर में जाके देख लीजिए आदिवासी कह रहे हैं कैसे रह रहे हैं, क्या हो रहा है उनका ट्राइबल सब प्लान के तहत जो उनका फंड आता है क्या हो रहा है उसके साथ। अगर अनुसूचित जनजाति में ही ऐड करके किसी का लाभ किसी को लाभ पहुंचाया जा सकता है तो एक काम करते जनरल्स को भी आपको भी हमको भी सभी जो जितने माइनॉरिटी है सब लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया जाए। मंत्री भी समर्थन कर दिया ना लेबर मिनिस्टर, आप हमसे पूछ रहे हैं, मेरा जवाब यही है अनुसूचित जनजाति में शामिल होने का क्या कारण है, क्यों लोग चाहते हैं, ताकि उनका भलाई हो उनको लाभ मिले। आज जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं झारखंड में आदिवासी हैं उनको क्या लाभ मिल रहा है आप जाके देखिए किस तरह से केंद्र सरकार उनके ट्राइबल सब प्लान के फंड को डाइवर्ट कर रहा है फर्दर माइनिंग एक्सप्लोरेशंस के लिए, मतलब जो जमीन उनका है उसी को उनके लिए खाई बना दिया जा रहा है। साथ ही साथ अभी जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन राइट में जो अमेंडमेंट आया आप बतलाइए उसमें जो पहले कांग्रेस पार्टी ने जो कानून बनाया था जिसके तहत ग्राम सभा और आदिवासी जो जंगल में रहते हैं उनको अधिकार होता था कि उनका जमीन का उनका जंगल का क्या किया जाए, अब उसको भी हटा दिया गया है। सरकार केंद्र सरकार कुछ भी कर सकती है, कल को अगर कोई जंगल झाड़ में कोई आदिवासी का सेटलमेंट है तो उसको साफ करके वहां पे कारखाना लगा सकती है। तो आप बताइए और लोग उन सभी चीज़ों में नहीं चर्चा करेंगे जो आदिवासियों को यहाँ पे एथनिक क्लेंसिंग हो रहा है मणिपुर में, आदिवासियों को इस धरती से साफ करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है उसमें बात नहीं करेंगे, यहाँ पे दूसरा ही पॉलिटिक्स किया जा रहा है, समझिए गंभीर चीजें हैं इनको। थैंक यू, समझ गया।